बताया नहीं तुम्हें मैंने, वो टेस्ला इंपोर्ट कर रहा हूँ। ओह वेरी नाइस, इसका तो आई एम श्योर गवर्नमेंट भी नोटिस ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप, आने का भी नहीं बताया आपने। अरे अपने घर आने की इतला कौन देता है। मेरी जान का मूड फिर ऑफ है। आप मुझे इग्नोर करें और मैं आपसे नाराज भी ना हूं। तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकता हूं मैं, तुम जानो मेरी। इधर आओ, इधर आओ अबीरा। सब देखो नखरे करती रहती है। मैं आया था रात में लेट, तुम सो गई थी, मैंने कहा उठाऊंगा नींद खराब होगी। फिर अभी सुबह उठ के सोचा कि आता हूं तुम्हारे कमरे में, तो तुम अपनी माँ के कमरे में थी। हमारे कमरे में आना तो आपको मना है ना? नहीं, वो साथ मिल गया तो हम दोनों बैठ गए, यहाँ पे बातें करना शुरू हो गए थे थोड़ी। अच्छा क्या बातें कर रहे थे? बस ऐसे ही, कोई अहम बात नहीं थी, बस गाड़ियों की बातें कर रहे थे। साथ बेटा आपने सरदार साहब को वो अहम बात नहीं बताई। कौन सी अहम बात? इतनी जरूरी बात आपने बताई नहीं। चले हम बता देते हैं। सरदार साहब, आपकी लाडली बेगम सरकार ने हमारे साथ पे डोरे डालने की कोशिश की थी। मेरी जान, क्या कह रही हैं आप? ठीक तो कह रहे, याद नहीं है बेटा, उस दिन आप उनके कमरे में किताबें देने गए थे तो वो लिपट गई थी आपसे, आप घबरा के कमरे से बाहर आ गए थे। आप उस पर इल्जाम लगा रही हैं? नहीं बेटा, आपने खुद ही तो बताया था। चाचा जान, इनकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। मैं खुदा की कसम कहता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं, ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। आपको मेरी बात पे अगर यकीन नहीं है तो आप बेगम सरकार से पूछ लें, उनको बुला के पूछ लें। रहमा, रहमा। जी सर, क्या हुआ है? बोलो फरखंदा, क्या कह रही थी आप? हम कह चुके। नहीं, सामने एक दफा और बोले। आपकी चहेती बेगम ने हमारे साथ पे डोरे डालने की कोशिश की, ये जानते हुए भी कि साथ हमारे होने वाले दामाद हैं। जान बस बोलना दो, बोलना दो। बोलो फरखंदा, आगे और बोलो। ये तो साथ की शराफत थी कि ये घबरा के कमरे से बाहर आ गए, वरना इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फरखंदा बेगम, आप एक बेटी की माँ हैं और मुझ पे ये इल्जाम लगा रही हैं। साथ आपका होने वाला दामाद है और अबीरा, कोई तुम्हारे मंगेतर के बारे में इतनी घटिया बात कर रहा हो और तुम कुछ नहीं कहोगी? अबीरा से क्या कह रही हैं आप, हमसे बात कीजिए। मुझे कुछ नहीं कहना क्योंकि मैं मुजरिम नहीं, और अब मेरे किरदार की गवाही अबीरा देगी। अबीरा क्यों देंगी आपकी गवाही? ठीक है, तो मेरे किरदार की ना सही, अपने मंगेतर के किरदार की गवाही तो दे सकती है ना।
आखिर पूरी जिंदगी गुजारनी है उसके साथ। पापा मामा गलत कह रही हैं। जब साथ गया रायमा के कमरे में तो बुखार में पड़ी थी, वो बहुत बुरी तरह बेहोश थी। साथ इसलिए जल्दी से भागता हुआ नीचे आया और मामा ने इल्जाम लगा दिया। अबीरा, आप अपनी माँ को झूठा कह रही हैं? प्लीज मामा, ये झूठ नहीं सच है। थैंक यू अबीरा, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बस, आपने मेरी पाक दामन बीवी पे बहुत घिनौना इल्जाम लगाया। बहुत जल्द फैसला करूंगा। बाबा, बाबा प्लीज। मामा नहीं, हम आपकी सूरत भी नहीं देखना चाहते।